वाह वाह वाह, देखा, ये ही होता है कि बड़ी बड़ी बातें जो है ना नहीं करनी चाहिए। बड़ी बातों करने वाले जो है ना, बड़ी बातें करने वाले, उनके पास वो बातें लौट के आ जाती हैं। अजली ने क्या कहा था, मुझे लड़की मत कहो, मुझे लड़कियां की तरह मत पुकारो, और एंड में क्या हुआ, साड़ी पहनकर घूम रही थी वो मूवी में, ठीक है ना। और राहुल ने क्या कहा था कि भाई राहुल नाम तो सुना होगा, तो राहुल नाम तो सुना होगा ने कहा था कि तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह मत रहो, तुम लड़की बिल्कुल भी मत लगती हो, नहीं लगती हो, तो भाई फिर तूने मूवी के एंड में से शादी क्यों की जब ये लड़की नहीं लगती है, क्या सोच के की थी? करण जौहर है, नहीं लड़की है ऑब्वियसली, तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। दस दो भाई बना लो, की करा सानो तो नहीं पता की करा। खैर गुड वीडियोस, अच्छी वीडियो ना आपकी, स्पेशली वो जो दस की करा में आप पार्क में घूम रही हैं, गुड। हाँ हाँ, फोटो कापियाँ करा के रख लो, क्या यार कॉलेज का जमाना याद दिला दिया, फर्रों की फोटो कापी कराया करते थे, माइक्रो कहलाती थी ना। हाँ भाईजान ये पकड़िएगा कि आप माइक्रो कर दें, अगला फौरन कैरेक्टर समझ जाता था, माइक्रो कराने आया है ना, कैरेक्टर ऊपर से नीचे तक डिफाइन हो रहा था, कहाँ कहाँ छुपाएगा, स्कैन हो रहा होता था, ऐसा लगता था फोटो कॉपी जो बंदा कर रहा है ना, जो माइक्रो बना के दे रहा है हमें, वो आयरन मैन का जार्विस है, वो जार्विस से सब कुछ करवाता ना, जार्विस कैन यू प्लीज चेक, वो जार्विस बन जाता है और फिर एक एक चीज जो है ना वो हमारी कपड़ों में बॉडी में वो अलग अलग दिखा रहा होता है, यहाँ दो पर्चियाँ, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ छः, यहाँ आठ, ये टाई के अंदर तीन, इस तरीके से पूरा स्कैन कर लेता है हमें। तो ये भी एक होता था जी, फोटो कॉपी से हमें याद आ गया ऐसे ही। बाकी अच्छी वीडियो था आपकी, कमाल। एक झलक देख के जिस शख्स की आदत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है, वाह 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 वाह, कमाल। पर्दे की ज़रूरत ही क्या है, चाहत हो गई है तो ऐसे ही जनरली पूछ रहे थे, जब चाहत हो गई है तो फिर पर्दा कैसा, और अगर पर्दा है तो फिर चाहत नहीं है, है ना, फिर पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ज़रा संभल के जाइएगा, क्योंकि जब वो मनीषा कोइराला निकली थी ना ये गाना गाते हुए मिलने के लिए आमिर खान से, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, दोनों टांगें कट गई थी, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा आप, ज़्यादा एक्साइटेड होकर मत जाइएगा मिलने के लिए। गुड वीडियोज़, वेरी गुड, स्पेशली द गानास। ओहो, पहला वाला गाना था नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया जतिंदर, तो इसमें ऐसा लग रहा था स्प्रिंग खा के पैदा हुआ है भाई, हिलते हिलते पूरी जिंदगी उतार दी उस जवान ने। लेकिन अगर उसे पता होता ना कि उसका तुषार कपूर जैसा बेटा होता, यकीन जानिए वो उस दिन फिल्म देख लेता कोई अच्छी सी। ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था आपकी, हलीमत सुल्तान बन के आपने एक वो वीडियो बनाई, ओफ 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 तौबा तौबा तौबा। भाई आपने ये गाना तो आप लोगों ने बना लिया, लेकिन इसके जो लिरिसिस्ट हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, हाँ, क्योंकि अगर वो ये लिरिक्स ना लिखते तो ये गाना ना बनता, और वो लिरिक्स है ओफ 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 तौबा तौबा तौबा। ओहो हो।